और लोकसभा चुनाव 2024 के रण के बाद सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का भी नाम खूब चर्चा में है। हालांकि इस बार उन्होंने ऐसी कुछ बात तो नहीं कही, लेकिन एनडीए खेमे में रहने के बावजूद भी तेजस्वी का साथ दिया। नीट मामले में विजय कुमार सिन्हा ने जो आरोप तेजस्वी यादव के सचिव पर लगाए और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो सीधे सीधे तेजस्वी यादव को मैटर में घसीटा है, उसे साफ इनकार करते हुए सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि यह बात सही नहीं है। अभी तक किसी पर भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और आरोप सिद्ध करने से पहले ही आरोपी कहना यह ठीक बात नहीं है। हालांकि सम्राट चौधरी के साथ भी नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड का फोटो दिखाने के मामले में भी उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हैं और कोई भी आकर फोटो खींच लेता है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा उससे संबंध ही है। देखिए, नीट पेपर मामले में अब बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। जिस प्रकार आपने देखा कि अब यह जो लड़ाई है पॉलिटिकल पार्टियों और नेताओं तक भी पहुंच चुकी है। जो सूबे के डिप्टी सीएम हैं उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जो पीएस हैं प्रीतम कुमार, उनके ही फोन से कॉल गया था, तब जाके जो मास्टरमाइंड थे उनको गेस्ट हाउस में रुकवाया गया था। और ये पूरी जो प्रक्रिया है सीधे सीधे अब तेजस्वी यादव भी इसमें घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने तीखा हमला किया है और कहा है कि अगर मेरे पीएस से कोई गलती हुई है या इसमें इन्वॉल्व है तो आप पूछताछ करिए और गिरफ्तार कीजिए, इतना हाय तौबा क्यों। देखिए, हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए नवनिर्वाचित सांसद देवेश ठाकुर जी हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे चैनल में। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। सर, जिस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं, तेजस्वी यादव के पीए पर आरोप लग रहा है, तो वो तो कह रहे हैं कि अगर आरोपी है तो गिरफ्तार कर लीजिए, फिर इतना हाय तौबा और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों। ठीक तो कह रहे हैं, जाँच चल रही है, जांच पूरी हो, निष्पक्ष जांच हो और जांच में जो निकले उस पर कार्रवाई हो। बात माननीय जो तेजस्वी जी सही कह रहे हैं, उसमें क्या है, आखिर जांच चलेगी उससे पहले आप किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंचिएगा। जांच पूरी तरह से हो, दोषी को बख्शा नहीं जाए, निर्दोष को तंग तबाह नहीं किया जाए, तो हम लोग यही चाहते हैं। एक आरोपी का फोटो भी उन्होंने दिखाया है, कल मनोज झा भी दिखा रहे थे, जो कि सम्राट चौधरी के साथ बुके देते हुए वायरल हुआ है। देखिए, जन जो सार्वजनिक जीवन में आदमी है उनसे सैकड़ों लोग मिलने आते हैं, कोई बूके लेके आता है, कोई कुछ पेटिशन लेकर आता है और उसकी तस्वीर आप लोग जो है धड़ाक से खींच लेते हैं और उसके बाद लगते हैं उसको आप ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने, ये देखिए ये आदमी को देखा जा रहा है उनके साथ। अरे भाई, वो जो 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 जनप्रतिनिधि है या बड़े ओहदे पे कोई आदमी या जनप्रतिनिधि है तो उसको क्या मालूम वो 100 में से कौन आदमी आ रहा है, वो क्या पहले स्क्रीनिंग करता है क्या किसी का, जानकारी लेता है, वो तो कर भी नहीं सकता, वो संभव नहीं है। इसलिए अपने आप में कोई अगर उनके साथ देखा गया वहाँ तो किसी के साथ, कल हो के मेरे ही साथ हो, किसी के साथ, आपके साथ भी हो सकता है कोई आके बुके देने वाला हो, कल आप हो क्या अपराधी निकले, इसका मतलब आप थोड़ी अपराधी हो जाइएगा। गिरिराज सिंह ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव संलिप्त है, क्या कोई सबूत गिरिराज सिंह के पास है? नहीं नहीं, अब मैं क्या जानूं उनके पास सबूत हो गया नहीं, लेकिन अभी के समय में मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ माननीय तेजस्वी यादव संलिप्त है, ये मैं नहीं कहूँगा। जब तक कोई ठोस सबूत आपको नहीं मिलती है तब तक दोषारोपण नहीं करना चाहिए, चाहे कोई हो, राजनीतिक दुश्मन हो, हमारा दूसरे पार्टी का आदमी हो, ये नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, ये मैं नहीं मानता। मुख्यमंत्री भैया कुमार सिन्हा से के जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके वो अपने वक्तव्य में, उनके वक्तव्य पर मैं टिप्पणी करूँ ये मैं नहीं जानता। मैं अपना विचार कह रहा हूँ कि जब तक कोई ठोस सबूत किसी के प्रति, बहुत बड़े आदमी के प्रति, बहुत नीचे आदमी, छोटे आदमी के प्रति, जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले तब तक किसी तरह की ये दोषारोपण नहीं करनी चाहिए। और अगर दोषी पाए जाए निश्चित रूप से आप कार्रवाई कीजिए, निर्दोष को मत तबाह कीजिए, हमारा तो हमेशा से यही पॉलिसी रहा है। एक अंतिम सवाल यह भी रहेगा सर कि बिहार में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था जातिगण जनगणना के बाद जो रिपोर्ट आई थी उस आधार पर बढ़ाया गया था और हाईकोर्ट में इसे निरस्त कर दिया गया, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? सम्राट चौधरी ने हालांकि कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला है, हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए राज्य सरकार और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ अपील करें सुप्रीम कोर्ट में, फिर जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो भी फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा, वो लागू होगा, इसमें कहाँ दिक्कत। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि इतने बार पैर पे पड़े हैं, एक बार और पड़ जाइए इसको, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर पे पड़ जाइए। नहीं, सवाल है कि माननीय प्रधानमंत्री के पैर पर गिरने का इसमें कहाँ सवाल है, टिप्पणी हाईकोर्ट का है, उच्च न्यायालय का है और इस पर इसके इसके खिलाफ में हम लोग जाएंगे अपील में,
सरकार जाएगी अपील में सुप्रीम कोर्ट में, जो वो फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा। तो देखिए ये थे हमारे साथ देवेश चंद ठाकुर, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर इस तरह की कोई बात है तो हम लोग अपील सुप्रीम कोर्ट में करने जाएंगे। और जो मामला पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, तेजस्वी यादव ने जो बातें कही हैं कि बिना सबूत के किसी पर भी उंगली नहीं उठाना चाहिए, अगर उनके पीए संदिग्ध हैं इस पूरे मामले में, उनकी जो ईओयू की टीम है अगर उनके पास पहुँच के जाँच पड़ताल करती है तो मामला साफ साफ समझ में आएगा। फिलहाल